भैया, देखिए तमाम सभियों ने अपनी बात रखी, पीड़ित पक्ष ने अपनी बात रखी। देखिए पूरा जो सवाल ये पॉलिटिकल इनकाउंटर्स हैं, और ये पूरा आप जिस तरह से देखिए कि अलीगढ़ में जिन्ना प्रकरण जिस तरह से उठता है और एक पॉलिटिक्स होती है, उसी तरह से कैराना से ये इनकाउंटर शुरू होते हैं। कैराना इसके पहले हुकुम सिंह ने उसको कहा था कि वहां पर हिंदू पलायन कर रहा है और मुसलमान वहां पर उसको क्रिमिनल है, उसकी वजह से पलायन कर रहा है। और वहां पर क्या होता है, मुकीम काला गैंग के नाम पर वहां इनकाउंटर होता है, और मुकीम के भाई वसीम को अगर देखा जाए तो उसके सर में जो गोली मारी गई है, अब आप देखिए सर में जिस तरह से गोली मारी गई, 0 पॉइंट से गोली मारी गई। ठीक इसी तरह मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि ये पूरा एक जाति और एक कम्युनिटी को पूरा टारगेट किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मुस्लिम, उसके बाद ओबीसी, दलित, ओबीसी में भी यादव, पटेल, दलित में भी सोनकर, राजभर, और इसके बाद आपको और जो पासी जाति, जो कि इन ये जातियां अपने दबंग जातियों के रूप में उत्तर प्रदेश में जानी जाती हैं। ये पूरा ये इस बात को लेकर है जो पूरी मनुवादी सोच है कि ये जातियां क्रिमिनल हैं, इस इतिहास को एक गढ़ने की पूरी प्रक्रिया है। और इसमें जो पूरा देखा जाए कि इसको पूरी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो बार बार सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से जब उनका इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसलिए नहीं दी जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप अगर एक जहिंद यादव का केस, जो आजमगढ़ का चर्चित केस रहा, उस लड़के को अगर देखिए तो उसके पैर में 20 से अधिक गोलियां मारी गई हैं और सीने में एक गोली मारी गई है। एकदम पुलिस के एक्शन की तरह हमारे क्या पुलिस के राहुल श्रीवास्तव एक पोस्ट ट्वीट करते हैं कि नाना पाटेकर का कि हम नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा। और इस तरह से जो किस तरह से फिल्मों में किसी को मारते हैं, पैरों पर तार गोली मारते हैं, और वो पूरे एक्शन को पूरा दिखाता है। और जहां तक गैंगों का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां तक गैंगों का सवाल है, मैं आजमगढ़ की मैं बात करूं कि आजमगढ़ में T9 गैंग, एक IS गैंग भी बनाई गई है, जो कि आजमगढ़ टेलर के नाम पे विख्यात है, तो वहां पर क्रिमिनल के नाम पे IS गैंग भी बनाई गई। ये जितनी गैंग भी है ये पुलिस द्वारा खुद क्रिएटेड गैंग है। दूसरा की जो पूरा ये पूरा प्रकरण है कि इस प्रकरण में एक तो सवाल है कि जो लोग मारे गए, लगभग 50 से अधिक लोग मारे गए, दूसरी तरफ एक और सवाल है कि जिनके पैरों में गोलियां मारी गई हैं, 300 से 400 आंकड़ा लगभग है, और आजमगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 34 लड़कों के पैरों में गोलियां मारी गई हैं। मैं एक उदाहरण देते हुए आपसे बात रखूंगा कि हम लोगों ने आजमगढ़ में इस समय हम लोगों ने 5 लड़कों को इस इनकाउंटरों से बचाया भी, और उसमें एक अभी जो हालिया का केस है कि 14 तारीख को उस लड़कों को उठाया जाता है, और 15 तारीख को एक फोन आता है रामवृक्ष यादव का कि उनके पंकज यादव और उनके विनोद यादव दो लड़कों को उठाया गया। और उठाए जाने के बाद जब हम लोगों ने इस बात को तुरंत DGP के यहाँ हमने मेल किया, SP से बात किया और तमाम तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किया, तब जाकर के उन लोगों ने दो लड़कों को तो पैर में गोली मारकर, पंकज यादव और एक लड़का मुन्ना, उसको पैर में गोली मारी। लेकिन 3 लड़के जो कि अमरजीत, विनोद और रवि को, जिसका नाम मीडिया में आ गया था, तो शाम को चूंकि विनोद का नाम बहुत पॉपुलर हुआ तो इस लिहाज से उसको शाम को उसके परिवार को दे दिया गया, लेकिन 2 लड़कों को शाम को कोर्ट में पेश किया गया। अब सवाल इस बात का है कि ये मारे तो जा रहे हैं, लेकिन मारने वाला जो राजनीत है वो क्या है। झांसी में जिस तरह से मामला आता है कि एक यादव कोई जिसको अपराधी बताया जाता है, वो पुलिस सुमित सिंह से बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप भाजपा अध्यक्ष और विधायक से बात कर लीजिए। ठीक इसी तरह से आजमगढ़ की मैं जहां तक बात करूं, आजमगढ़ के SSP जो तो SSP थे, वो आज जिस दिन अलीगढ़ में जिन्ना प्रकरण शुरू हुआ है उसी समय उनको भी अलीगढ़ का SSP बनाया जाता है। और आजमगढ़ के SSP अजय साहनी, जो जिनके ऊपर जो इनकाउंटर हुए थे, जो सवाल उठे, तो जो 5 इनकाउंटर पे हम लोगों ने सवाल उठाया उसमें रामजी पासी, जहिंद यादव और मुकेश राजभर और इटावा के अमन यादव के इनकाउंटर पे मानवाधिकार आयोग की जांच चल रही है। जब ये सवाल उठता है तो वहां पर वो SSP अपने सम्मान समारोह करवाते हैं, और यही नहीं India TV के जरिए एक सौर सम्मान बनाया जाता है, और सौर सम्मान पे कौन देता है, योगी आदित्यनाथ उसको सौर सम्मान देते हैं। अब योगी आदित्यनाथ को 15 से अधिक
उनके ऊपर हत्या के प्रयास, यहाँ तक कि पशुखिया में तलत अजीज एक बसपा की नेता थी, उनके गवर्नर को मारने का आरोप है वहां पर, उनके ऊपर हत्या का, यहाँ तक कि आतंकवाद की विभिन्न चार सीटों में भी नाम है उनका। वो योगी आदित्यनाथ अजय साहनी को सौर सम्मान देते हैं और आज वो जो अजय साहनी जो आके अलीगढ़ में जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो स्टूडेंट्स पे लगातार किया जा रहा है, पूरा एक साइड बनाई जा रही है कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान गाय खाता है, इसलिए उसका एनकाउंटर करो, उसकी मॉब लिंचिंग करो। और इस बात की बात मैं रखना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर है कि सिर्फ एनकाउंटर नहीं चल रहा है, एक एनएसए पॉलिटिक्स भी चल रही है। एनएसए पॉलिटिक्स जो 5 मई से सबीरपुर से शुरू होती है, जहां पर चंद्रशेखर को राष्ट्रपति के तहत निरुद्ध किया गया है और वहां के प्रधान जी को निरुद्ध किया गया है, सोनू को निरुद्ध किया गया है, ठीक इसी तरह से वहां पर आज बहराइच में 5 लड़कों के ऊपर नवंबर में एक सांप्रदायिक घटना हुई थी, 5 लड़कों के ऊपर वहां पर उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। वो 5 लड़कों के में मोहम्मद रजा, अरशद, मुन्ना, इसी तरह से तो बाराबंकी में 14 मार्च को घटना होती है, सांप्रदायिक घटना होती है, उसमें 4 लड़कों पे नशे लगाया जाता है, कानपुर के 1 लड़के पे, और अभी सरायनीर में आजमगढ़ में जब एक धार्मिक टिप्पणी के नाम पर जिस टिप्पणी के नाम पर कई जगह पर लोग जेलों में है, वहां पर जब उस सवाल उठाया जाता है तो इसी अजय साहनी जो कि 3 दिन पहले आ जाते हैं अलीगढ़, वही अजय साहनी वहां पर लगातार दौड़ा दौड़ा करके मुसलमानों को मरवाते पिटवाते हैं और वहां पर भी एनएसए भी लगाने की तैयारी हो रही है। वक्त कम है लेकिन मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि जो पूरा ये पूरा ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में आज इस बात की जरूरत है कि अगर बात हो इस बात पे तो पहली बात को पीएम रिपोर्ट दे पुलिस, दूसरा कि जो तमाम अजय साहनी से लेकर तमाम लोग हैं इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके उन लड़कों का एक प्रोफाइलिंग किया। एक प्रोफाइलिंग इसे योगी गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्रोफाइलिंग 2014 किया है मुकेश राजभर की, जो इसके पहले बाइक चोरी के नाम पे कब उठाया गया था, 2016 में उठाया गया था। रामजी पासी को बैंक डकैती के नाम पर कब उठाया गया था, उसको 2016 में उठाया गया था, लेकिन तब उनके कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ एविडेंस की वजह से उसमें छूट गए थे, लेकिन उनकी जो प्रोफाइलिंग थी उसकी वजह से हुआ। दूसरा कि इसमें बहुत सारे सवाल इस बात के लेकर है, ये पूरा मामला जब तक सीबीआई के स्थिति में नहीं जाता है, इसकी कोई बड़ी एजेंसी जांच नहीं करती है, जब तक इनके कार डिटेल नहीं निकलते हैं, इन पोस्टमार्टम के आधार पर इस पूरे नेक्सस का नहीं होता है, तब तक इसको हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दूसरा इस बात को लेकर है कि आखिर में योगी आदित्यनाथ बोल देते हैं कि ठोक देने के सवाल को, मार देने के सवाल को, तो क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ यादव, चमार, राजभर, सोनकर ही सिर्फ क्रिमिनल है? आप देखिए पूरे रिकॉर्ड को देखिए कि उसमें सवर्ण जातियों के कितने लोगों को पकड़ा गया है। मैं इसी के साथ इस बात को रखना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा आगामी जो 2019 की जो पॉलिटिक्स हो रही है उन 2019 की पॉलिटिक्स को केंद्रित करते हुए कि आप जिसे साथी ने बोला कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर कैराना और शामली में होते हैं, उसके बाद आजमगढ़ में होते हैं, क्योंकि कैराना और शामली मुजफ्फरनगर दंगे के नाम पर कितना पूरी दुनिया में बदनाम किया गया है। एक तरफ से मुसलमानों को बताया जाता है क्रिमिनल, आतंकवादी, और दूसरी तरफ आजमगढ़, जहां पर आजमगढ़ में इस भाजपा की लहर में भी मात्र 1 सीट भाजपा जीत पाई है, 9 सीटें सपा बसपा जीत पाई है। एक इन तमाम जो दबंग जातियों के लोकल लेवल के नेता है, तमाम लोग उनपे है कि आप हमारे साथ आओ, नहीं तो इनकाउंटर में मारे जाओ। और इनकाउंटरों में अगर लोगों को देखेंगे, अभी जो रिसेंट में पंकज यादव, विनोद यादव को जिसको मारा गया है, छूट गया है, उसके पे उसके जो पिता है रामवृक्ष यादव जिला पंचायत के पूर्व रईस, जिसको पैर में गोली मारी गई जिला पंचायत का हम चुनाव लड़ा था, मुकेश रामजी पासी जो है वो बीडीसी का चुनाव लड़ा था और ब्लॉक के चुनाव में करने था, ये पूरा चुनावी पैटर्न है, इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। धन्यवाद।